दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद माशाल्लाह आज हमारे स्कूल का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मिट्टी की जो भराई करानी थी हमें, वो हमने काफ़ी करा दी है। तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं, ये मज़दूर जो लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, उसकी लेवल सेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कल से हमारा कंस्ट्रक्शन का काम बाकायदा स्टार्ट हो जाएगा। तो आज उसकी लेवल को बेहतर करेंगे, लेवल मेंटेन करेंगे, बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो सारी सेट करेंगे। आज ये लेबर आया हुआ है, तो जो हमने उम्मीद की है कल, वो कोशिश हमारी यही है कि कल से हमारा कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्लोली स्टार्ट हो जाए और फिर एक दो दिन में बाकायदा स्पीड पकड़ लें, ताकि हम इसको कुछ ही दिनों में कवर कर लें। तो आई होप कि ये हमारा काम जो है फ्री स्कूल वाला, हमने जो फ्री स्कूल का प्रोग्राम बनाया है, वो उम्मीद है हमारा कामयाब हो जाएगा। काफ़ी दोस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी दोस्त हमें मॉरली सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ये काम जो है बेहतर हो जाएगा। ये हमारे स्कूल का बुनियाद है, जो मैंने पिछले काफ़ी व्लॉग्स में आपको दिखाया है। तो थोड़ा लेबर के पास चलते हैं और थोड़ा करीब से आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये कैसे काम हो रहा है। तो ये लेवल इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही लेवल कंप्लीट हो जाएगी तो हमें काम करने की चाल मिल जाएगी। वैसे तो अभी काफ़ी ये रूम रहते हैं जिनके अंदर यकीनन मिट्टी पड़ेगी, लेकिन उनको शायद कुछ दिन लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक इशू और हो गया है, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नीचे ज़मीन का जो पानी है, उसकी वजह से यहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं चल सकती, यानी ट्रैक्टर ट्राली है या मशीन जो भराई वाली है वो नहीं चल सकती, पानी निकल आता है और दलदल हो जाती है। तो उस वजह से हमारा काम जो है वो बाकायदा नहीं हो सकता है। तो हमने कुछ एरिया में काम करवाया है, जिसमें ये लेबर काम कर रहा है, ये थोड़े एरिया में हमने काम कराया है, ताकि हम काम को आगे चला सके, यानी कंस्ट्रक्शन के काम की चाल बन जाए और हम उसको थोड़ा आगे लेके चलें। तो वो भी एरिया आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पे हमने मिट्टी उठाई है, क्योंकि मिट्टी हमें बाहर से उठानी थी, लेकिन बाहर से हम जैसे मिट्टी ला रहे थे तो वो मिट्टी जो है यहाँ पे ट्रैक्टर फंस जाते थे, ट्राली फंस जाती थी, वो मिट्टी हम नहीं यहाँ पर ला सके। तो मजबूरन हमें यहीं से फ़िलहाल मिट्टी उठानी पड़ी और हमारे काम की चाल बनानी पड़ी। आगे कुछ ही दिनों के बाद हम फिर जहाँ पे हमने मिट्टी उठाई है, खड्डा लगाया है, वहीं पे हम मिट्टी डालेंगे। तो आइए मैं वो खड्डा भी आपको दिखाता हूँ और लेबर का काम भी दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मिट्टी हम ला रहे थे, लेकिन यहाँ पे फिर दलदल की वजह से और नीचे से पानी के सैलाब की वजह से जो ट्रैक्टर ट्राली है वो नहीं चल रहे थे, तो फिर मजबूरन हमें यहाँ इस खड्डे से, इसमें से मिट्टी उठानी पड़ी और ये खड्डा लगा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पानी निकल आया है। तो ये पानी जो निकला है वो नीचे से ही निकला है, ज़मीन से ही, क्योंकि अभी सैलाब है, तो इस वजह से ये हमारा काम जो मिट्टी वाला ये पूरा नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये पानी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमने ये पाइप लगाया है, मोटर लगाई है, इस पानी को निकाल रहे हैं ताकि यहाँ पे ये सूख जाए और हम यहाँ अच्छे तरीके से काम कर सकें। लेबर काम कर रहा है अच्छे तरीके से, मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और ये मोहम्मद अली भाई आए हुए हैं और ये काम करवा रहे हैं, ये इसके लेबर हैं और बड़े ही मेहनती बंदे हैं, काम कर रहे हैं। भाई ये स्कूल वाला काम है, अच्छा काम करो, ठीक है ना, आपको दुआएं मिलेंगी मोहम्मद अली भाई। दुआएं वैसे ही ज्यादा मिल रही हैं यार। अच्छा, कोई हम गलत थोड़ी करते हैं किसी के साथ। ये बच्चों के साथ, बच्चों के लिए काम करोगे तो इसमें और ज्यादा दुआएं मिलेंगी। सही है, जबरदस्त। Oh, oh, oh.
और बताएं कि हम इस स्कूल को और कैसे बेहतर कर सकते हैं या इस स्कूल की कैसे सपोर्ट ले सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, ये स्कूल की बैक साइड वाला एरिया है और बुनियाद आपने देखा है, क्योंकि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये लैंड वाला एरिया है और ये राइस की कटाई हुई पड़ी है। तो यहाँ पे ऐसे क्राप होते हैं, उनको पानी वगैरह दिया जाता है, तो यहाँ पे पानी काफ़ी इकट्ठा होता है, तो इसलिए हमने इसका बुनियाद जो है वो 4.5 से 5 फुट तक हमने इसका बुनियाद रखा है, जो यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। इसलिए ही हमने इसका बुनियाद बड़ा रखा है ताकि जो पानी का इशू है वो ना रहे, यानी वो पानी स्कूल के अंदर ना आए। अंदर तो यकीनन मिट्टी की भराई हो जाएगी, तो पानी अंदर नहीं आएगा, बैक साइड पे या साइडों पे रहेगा। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं पूरा लैंड एरिया है और फिर गांव है, तो लैंड एरिया की वजह से यहाँ पे हर वक्त पानी रहता है, बारिशों का पानी भी होता है और क्राप का पानी भी होता है, तो पानी के इशू ज़्यादातर होते हैं यहाँ पे। इसलिए हमने इसको बड़ा करके रखा है, जिसकी वजह से यकीनन हमारा ख़र्चा काफ़ी बड़ा है, वरना जितने हमने पैसे किए थे उसमें शायद ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हो सकती थी, लेकिन अभी यकीनन वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकेगी, लेकिन इंशाल्लाह सपोर्ट मिल जाएगी, हम इसको कर देंगे क्लियर। बस आप जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे इदारे हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम बेहतर कर लेंगे। तो ये उसका बैक वाला व्यू है पूरे स्कूल का, और फिर गांव है, यकीनन इस गांव से और इस तरह से मुख्तलिफ यहाँ पे लोग रहते हैं, उनके बच्चे आएंगे, बच्चियाँ आएंगी। दोस्तों, इस स्कूल की ख़ास जो मैं बात बता दूँ वो ये है कि हमें इस स्कूल में ज़्यादातर बच्चियाँ मिली हैं, यानी लड़कियाँ जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा मिली हैं। गांव की गर्ल्स को शहर में जाने के लिए, वहाँ दूर के स्कूल में जाने के लिए यकीनन बड़ा इशू रहता है, तो उन लड़कियों करीब स्कूल होने की वजह से उन लड़कियों को ये सपोर्ट हुई है कि वो हमारे स्कूल में आके उन्होंने एडमिशन ली है, जिससे उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। जो हमने टेम्पररी सेटअप स्टार्ट किया हुआ है उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ ही आती हैं और लड़कियाँ ही पढ़ती हैं, तो ये हमारा काम जो है, या ये कहें कि इससे हमें खुशी हुई है कि हम जो सपोर्ट कर रहे हैं वो गरीब लड़कियों को ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अच्छा फ़ायदा हुआ है। जो नहीं पढ़ सकी हैं या जो नहीं जा सकी हैं दूर दूर के स्कूलों में, वो हमारे पास आई हैं, तो ये हमें अच्छा बेनिफिट मिला है। उनको, लड़कियों को तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है इस वजह से, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम गरीब बच्चियों को यहाँ पे एडमिशन दे रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं।